सो हेगा सिकाल चाल और भाई, तो आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं GTA 5 और आज हम लोग फिर से एक बार आ चुके हैं माइकल द प्रेसिडेंट के साथ। तो आप लोग को याद होगा लास्ट वाले एपिसोड में यार डगन बॉस ने पीटर को हमारे बंकर से भगा लिया है और इस वजह से यार माइकल का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है क्योंकि पीटर को पकड़ने के चक्कर में यार हालत खराब हो गई थी। वो हमारा यार बहुत बड़ा दुश्मन है और उसने हमें काफी परेशान किया था, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइज, हम लोगों ने उसे एक बार पकड़ा था, दूसरी बार भी पकड़ लेंगे। पर एक चीज सबसे ज्यादा अच्छी हो रही है वो है यार अपनी टीम वापस आ रही है। अभी तक मैंने सारे लोगों से बातचीत कर ली है, कुछ ही देर में लॉस सांटोस में सारे लोग आ जाएंगे, चाहे वो इंडियन बॉस हो, इंडियन डॉन हो, उसका फादर हो, भाई जितने भी बंदे हैं ना सारे लोग लॉस सांटोस आ रहे हैं भाई अपने प्रेसिडेंट की हेल्प करने, क्योंकि अभी हम लोग काफी बड़ी मुसीबत में है गाइज। अभी हमारा एक दुश्मन नहीं है, एक साथ तीन तीन दुश्मन है और ऐसा माइकल की लाइफ में यार पहली बार हो रहा है कि तीन दुश्मन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पर कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइज, अपनी पूरी टीम भी एक साथ आने वाली है और तुम लोग को पता है यार माइकल की टीम साथ होती है तो माइकल कितना ज्यादा पावरफुल होता है। तो गाइज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एक लाइक शुरू कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए। फटाफट से वीडियो को लाइक करके एक बड़ा सा कमेंट यार जरूर कर दिया करो क्योंकि काफी मेहनत हो जाती है यार वीडियोस बनाने में। और हाँ गाइज एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, काफी सारे लोगों को डाउट हो रहा है, काफी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई मयंक ने डगन बॉस को मार दिया। तो देखो मयंक और अंकित की जो स्टोरी है ना वो एकदम अलग चल रही है भाई, उनका डगन बॉस एकदम अलग है एंड हमारी जो स्टोरी है वो एकदम अलग है। तो हमारा डगन बॉस अभी भी जिंदा है तो टेंशन मत लो और प्लीज यार इसको मिक्स मत करो, ये अलग अलग स्टोरीज हैं तो प्लीज यार इस चीज को याद रखना। बाकी यार अभी ना मैं व्हाइट हाउस पे आ रखा था, यहाँ के मैंने सारे काम निपटा दिए हैं और अभी ना मेरे को सीधे फार्म हाउस पे निकलना है क्योंकि मेरे को पता लगा है कि यार ट्रेवर और सनी ने गाइस खुश तो किया है और ट्रेवर तो शांत बैठ ही नहीं रहा है यार, व्हील चेयर पे पता नहीं क्या क्या काम कर रहा है, मेरे को पता लगा है तो मेरे को अभी चलना पड़ेगा। वैसे लेसर यहाँ पर है तो लेसर बोल रहा है कि यार कोई दिक्कत नहीं है प्रेसिडेंट, तू आराम से जाकर अपने काम निपटा, वो यहाँ के सारे काम संभाल लेगा। और गाइस कोई दिक्कत नहीं यार, पीटर भाग गया है तो पीटर को क्या लग रहा है कि मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार हम लोगों ने इसे पकड़ा है ना, दूसरी बार भी पकड़ लेंगे, कहां जाएगा भाई। और इस बार पकड़ना नहीं है सिर्फ उसे, उसे जान से मारना है भाई, सीधे खत्म करना है। और इस बार तो भाई तीनों को मारूंगा, डेविड, डगन बॉस और पीटर तीनों को, टेंशन ना लो, बस थोड़ा इंतजार करो। बाकी गाइस ये रहा सामने लेस्टर, लेस्टर यहां के सारे काम खत्म हो गए ना, एक काम करना भाई तू यहाँ के काम देख, मैं जा रहा हूँ फार्म हाउस पे, भाई सन्नी को कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह भी मिली है तो मुझे बातचीत करनी है। देख डगन बॉस ने उसकी हेल्प की है और डगन बॉस हमारे सामने नहीं आ रहा है तो हमें ना पहले डगन बॉस को पकड़ना है, अगर वो मिल जाता है तो पीटर और डेविड दोनों मिल जाएंगे, समझ रहा है ना तू। तो तू एक काम कर, तू कुछ दिनों और व्हाइट हाउस का काम संभाल ले भाई, मैं एक बार फ्री हो जाऊँ तो आराम से मैं प्रेसिडेंट वाले काम करूँगा। तो तू एक काम कर, अंदर जा, सारे काम वाम संभाल, अगर मेरे कोई भी काम होगा तो मैं तुझे कॉल करता हूँ। बाकी गाइस फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, सीधे अभी अपने को चलना है भाई फार्म हाउस पे और चल के देखते हैं वहाँ पे चल क्या रहा है। एंड यहाँ देख रहे हो भाई लेसन है अपने साथ, अपने कमांडोस को लेकर घूम रहा है और लेसन को जरूरत भी है यार, मैं तो अकेले हर जगह चले जाता हूँ। और यहाँ पे देख रहे हो गाइस अपनी गोल्ड रोल्स रॉयस है, लिमोजिन बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो अभी मेरे को सीधे ट्रेवर के पास चलना है, पहले ट्रेवर से चल के बात करता हूँ कि यार उसे क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। और थोड़ा आराम से यार इस वाली गाड़ी को ना मेरे को थोड़ा कंट्रोल में चलाना पड़ता है। और हाँ कुछ लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि यार तुम्हारी प्रेसिडेंट वाली कार कहाँ है, तो गाइस देखो प्रेसिडेंट वाली कार ना मैंने अभी तक निकाली नहीं है, उसको ना हम लोगों ने गोडाउन में लगा रखा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार उसको भी बाहर निकलवाया जाए, बहुत टाइम से उसको भी नहीं चलाया तो थोड़ा उस पर काम करवा लेंगे, थोड़ा मॉडिफाई करवा लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको भी बाहर निकालेंगे, टेंशन ना लो। फटाफट से गाड़ी को भगाते हैं, जल्दी से चलते हैं गाइस फार्म हाउस की तरफ। तो अभी गाइस मैं अपनी रोल्स रॉयस को भगाते हुए अपने फार्म हाउस की तरफ पहुंचने वाला हूँ। ट्रेवर ना यहाँ पर अकेला ही है कमांडोज के साथ, मैंने वैसे सन्नी को भेजा था उसके ऊपर नजर रखने के लिए। और गाइस मेरे को तो कुछ और ही पता लगा कि ट्रेवर यहाँ पर प्लान बना रहा है भाई पीटर को पकड़ने का, और ये काम अगर अकेले इसने किया ना तो बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकता है क्योंकि पीटर के बारे में तुम लोग को पता है कि वो कितना खतरनाक है। और तुम लोग यहाँ पे चेक करो, ये यहाँ पे निशाने की प्रैक्टिस कर रहा है भाई। अबे ट्रेवर शांत हो जा भाई, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तू पीटर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। और गाइस ट्रेवर के दिमाग में चल क्या रहा है मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो ट्रेवर को लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसीलिए वो अपनी गलती सुधार के भाई पीटर को पकड़ना चाहता है, वो भी अकेले। भाई ट्रेवर मैं तेरे को ये करने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और यहाँ देखो गाइस यहाँ पर बोतलों पर ये निशाना वगैरह लगा रहा है। बाकी ड्राइवर छोड़ यार ये सब बाद में करते रहना,
और देख सनी से मेरे को पता लगा था कि तू गैंग वालों को मार रहा है, उनसे पीटर के बारे में पता लगा रहा है, तो देख उनसे कुछ पता नहीं लगेगा क्योंकि डगन बॉस ने उसको बचाया है। अगर किसी को पता है तो वो डगन बॉस ही है। सनी से मेरी बात हुई थी, उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट या फिर कुछ तो है उसके पास इंपॉर्टेंट पेपर्स जो उसने डगन बॉस के मेंशन से चोरी किया है, तो मैं भी उससे पता कर लूंगा। तू टेंशन मत ले, तू बस आराम कर, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, शायद एक हफ्ता और लगेगा, एक हफ्ते के अंदर तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अभी मैंने ड्राइवर से बात की, ड्राइवर बोल रहा है कि यार नहीं भाई, उसने गलती की है, तो वही पीटर को पकड़ेगा। काफी देर समझाने के बाद इसको समझ तो आ गया कि कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, टीम किस काम आएगी, टीम है ना, पूरी टीम मिलकर काम करेगी। ड्राइवर तू टेंशन मत ले। बाकी गाइस ड्राइवर बोल रहा है कि उसने ना कुछ गैंग वालों के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली है जो हमें शायद पीटर तक ले जा सकते हैं, पर हमें ना खुद उनके पास आना होगा। तो अभी गाइज हम लोग जा रहे हैं उन गैंग वालों के पास, ट्रेवर अभी मेरे साथ ही जाने वाले हैं। मैंने इसको समझाया, ये मान ही नहीं रहा है। तो गाइज अभी ना मैंने दूसरी वाली अपनी रोल्स रॉयस मंगवाई है। देख ट्रेवर इससे तो नहीं जा पाएंगे, जो अपनी 6x6 रोल्स रॉयस है ना वो आने वाली है, थोड़ा वेट कर ले, जैसे वो आ जाती है फिर हम लोग उस पर तेरी व्हील चेयर रख कर चलेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इस पर रखते हैं या फिर इस गाड़ी पर दोनों नीचे गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। रोल्स रॉयस एक बार अपनी वाली आ जाए फिर कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, वो फुल ऑफ रोडिंग वाली है, उसके ऊपर आराम से हम व्हील चेयर रख देंगे। तो भी करीब 20 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर यार अपने कमांडो को इंतजार करते करते प्रेसिडेंट के मेंशन से। भाई इतना टाइम थोड़ी लगता है, क्योंकि अपनी सारी गाड़ियां ना प्रेसिडेंट वाले मेंशन पे है। और ट्रेवर वो देख भाई अपनी गाड़ी आ चुकी है 6x6 रोल्स रॉयस, भाई इसकी ना एक अलग ही बात है। एंड सैंडी शोर्स वाले रोडों पे ना इसको चलाने में भाई बहुत मजा आता है। बहुत सही कमांडो, तू एकदम सही टाइम पे आ चुका है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है कमांडो, एक काम कर, ट्रेवर को लेकर ना फटाफट से यहाँ पर आ, ट्रेवर को अंदर बैठा, और जो व्हील चेयर है ना उसकी वो ऊपर के साइड रखना। ट्रेवर शायद अभी खुश तो बैठकर सोच रहा है। भाई क्या सोच रहा है ट्रेवर, क्या हो गया भाई, टेंशन मत ले, तुझे आराम से गाड़ी में लेकर चलूंगा, आराम से बैठा कर। सो भी गाइस ट्रेवर की हम लोगों ने व्हील चेयर देख रहे हो गाड़ी के ऊपर रख दी, और मैंने ना इसे बोला कि यार अंदर बैठ जा, बोल रहा है नहीं यार वो ऊपर ही बैठेगा। देख रहे हो पता नहीं कैसे बैठा, भाई नीचे मत गिर जाना, पहले ही बोल रहा हूँ पकड़ के रहना। बहुत सही गाइस देख रहे हो काफी तगड़े तरीके से बैठा हुआ है। तो कमांडोस तुम लोग यहीं फार्म हाउस का ध्यान दो, हम लोग अभी बस कुछ ही देर में आए। यार मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है यार इसको ऊपर बैठा के चलाने में। अबे ट्रेवर अभी भी बोल रहा हूँ भाई नीचे आ जा, देख मान मेरी बात, नीचे गिर गया ना भाई हड्डियाँ टूट जाएंगी, वैसे भी तेरे पैरों की बैंड बजी हुई है भाई, ये नहीं मानने वाला, खतरों का खिलाड़ी है भाई, ऐसे इसका नाम ट्रेवर नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा है। देख रहे हो गाड़ी के ऊपर बैठ के जा रहा है व्हील चेयर लेकर, हद है भाई। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, अब नहीं मान रहा है तो भाई ये किसी की नहीं सुनेगा, फटाफट से उस लोकेशन पे चलते हैं एंड चल के देखते हैं कि कौन से बंदे हैं जो हमें पीटर की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो अभी गाइस हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते भगाते यार उस लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं, जो लोकेशन मेरे को ड्राइवर ने बताई थी। और ड्राइवर तू ठीक है ना भाई, ऊपर से हवा तो तेरे को फुल लग रही होगी, और गाइस तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई गलती से उस बंदे की गाड़ी में टक्कर लग गई, पर ड्राइवर को डर लग ही नहीं रहा है। ड्राइवर बोल रहा है कि भगा माइकल जितनी तेज भगा सकता है, जल्दी से जल्दी पहुंच। और गाइज रॉर मेरे को सामने नजर आ चुका है, तो सबसे पहले गाड़ी को मैं यहाँ पे रोकता हूँ। और ट्रेवर खुद से नीचे मत उतरना भाई, हम लोग मिलकर नीचे उतारते हैं, तू आराम से बैठा रहे। रॉन तो भाई जाना कहाँ पे, और वो बंदे कहाँ पे है जिन लोगों से बात करनी हो, ओके पीछे के साइड है ना, तो एक काम कर रहा हूँ तू जैसे भी तैसे करके ट्रेवर को नीचे उतार। और ये तेरे चोटे कहाँ से लगे हैं भाई, ये बंदा अभी ना पता नहीं क्या करता रहता है। ट्रेवर आराम से नीचे आना, वो तो अच्छा है कि गाइज उसकी जो व्हील चेयर है उसके अंदर मैग्नेट लगे, अगर मैग्नेट नहीं होता ना तो भाई नीचे ही गिर जाता। तो रॉन उसको आराम से नीचे उतार देगा, आराम से आएगा वो। मैं काम करता हूँ धीरे धीरे आगे चलता हूँ। गाइज यहाँ पर कुछ गैंग वाले मेरे को नज़र तो आ रहे हैं। देखो सैंडी शोर्स में ना बहुत सारी गैंग रहती हैं, पर मुझे नहीं लगता ये लोग पीटर को जानते होंगे। ओके ये देखो ये आ रहा है यहाँ पर ड्राइवर। तो ड्राइवर क्या करना है, देख मैं खुद जाकर बात करूँ या फिर तू बात करने वाला है, ठीक है? तो तू देख आराम से बात करना, मैं ये बोल रहा हूँ कि देख लड़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, बात तो सुन ले, लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, गैंग वालों को मारना मत। मैंने सुना था तूने बहुत सारे गैंग वालों को मारा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पर कोई भी लफड़ा हो, ठीक है ना? लॉस सैंटोस में ये बात फैल गई होगी, तू गैंग वालों को मार रहा है, और अगर ऐसा हो गया ना तो कहीं दिक्कत हो जाएगी यार। देखो गैंग वालों से बिना अपने को भाई लड़ाई नहीं करनी है, सारे गैंग से थोड़ी लड़ते रहेंगे। और रोहन तू एक काम कर, उसके साथ जा, कोई भी गड़बड़ी रहती है तो मुझे तुरंत आकर इन्फॉर्म कर, ये ना कि लड़ाई चालू कर दो। वो देखो गाइस किसी गैंग लीडर से बात तो कर रहे हैं, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैंग के बंदे हैं। तो ड्राइवर ने मेरे को बोला कि यार मैं उसे जाने दूँ, उसने पता किया है, माइकल बस दूर खड़े होकर इंतज़ार करे। तो गाइस मैं बिल्कुल वैसा ही करने वाला हूँ, ड्राइवर बस बातचीत करके यार पता लगा ले। ओके तो देखते हैं गाइस कितनी देर में ये पता लगाता है। यहाँ पे बात चल रही है, और ये क्या सीन कर दिया यार,
हद्दे भाई, सन्नी ने भी मेरे को बताया था कि उसने ऐसा ही कुछ किया था यार। क्या सीन है यार ट्रेवर, हद्दे भाई, व्हीलचेयर में बैठे बैठे भी इसको चैन नहीं आ रहा है यार। ये बंदा ना सुधरने वाला नहीं है, व्हीलचेयर में बैठा हूँ हॉस्पिटल में हूँ, उसे लेना देना कोई नहीं है। देख रहे हो क्या कांडबाजी कर रहा है यार ये भाई। ऐसे तेरे को पीटर थोड़ी मिलेगा, सारी गैंग को मारता रहेगा। सनी ने मेरे को बताया था कि यार वो तेरा पीछा कर रहा था, तूने वहां पे भी किसी गैंग को मारा है। देख अगर ऐसी गैंग को मारता रहा तो पीटर नहीं मिलने वाला है भाई, समझ रहा है ना। अगर पीटर को ढूंढना है तो ठंडे दिमाग से काम करना पड़ेगा। मेरी बात सुन, मेरे साथ चल, अभी देखते हैं क्या करना है। गाइस इसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। और रॉन यार ये पीछे कौन है, मार उसे जाके यार, पीछे से कोई गोलियां चला रहा है। ट्रेवर तू गोलियां चलाना बंद कर यार। यहाँ देखो गाइस, मैंने बोला था ना शांति से मेरी बात तो सुन रहा था, पर यहाँ देखो गैंग के और भी बंदे आ गए। ये लोग शांत थोड़ी बैठेंगे यार, अगर हम लोग 10 बंदों को मारते हैं तो 50 आएंगे, 50 को मारेंगे तो 100 आएंगे। गैंग वालों का ऐसा ही है यार, और माइकल प्रेसिडेंट है यार, ऐसी गैंग को थोड़ी मार सकता है। ये काम मैं दूसरों से भी करा सकता हूँ। हद है यार ट्रेवर, बस कर भाई। यार ट्रेवर नहीं सुनने वाला, इसका दिमाग ना पीटर को लेकर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है गाइस। इसे यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा, बहुत हो गया। मैं इसे अब गाइस यहाँ फार्म हाउस पे छोड़ूंगा ही नहीं, मैं ऐसे सीधे अपने हाईटेक वाले बंकर पे लेकर जा रहा हूँ। वहाँ मैं कमांडोस को बोल दूंगा कि इसके ऊपर नज़र रखो, इसे कहीं जान ही नहीं देना। और ये रॉन इसका फुल साथ देता है भाई। हद है यार, एक मिनट यार, पहले ये जितने भी गैंग वाले हैं ना इन्हें निपटाना पड़ेगा। कैप्टन को कॉल करना पड़ेगा, कैप्टन यार संभाल सकता है गैंग को। हद है भाई, गैंग वालों से ना दुश्मनी लेकर हम लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि ये लोग कभी शांत नहीं बैठते। ट्रेवर क्या कर रहा है, बस कर भाई, बस कर, गोली वगैरह मत चला। रॉन एक काम कर, बहुत सही हुआ तेरे साथ, गाड़ी उठा निकल यहाँ से फटाफट से, जल्दी निकल ले यहाँ से तू। हद है भाई, ट्रेवर के एक फ़ोन करने पे सीधे आ जाता है ये। अलग ही यार देख रहे हो, यहाँ पर बदमाशी कर रहा है। पहले मैं इसे भेजता हूँ और तू मेरे साथ चल चुपचाप से, तो मैं तेरे को रोड पे छोड़ के चला जाऊँगा। फटाफट से आ, इसको बिठाना पड़ेगा यार, जल्दी से आया ड्राइवर। हद है, मैंने बोला था ना कि यार ऐसे पीटर के बारे में पता नहीं लगेगा। मेरी बात सुन, अब मैं पीटर के पता लगाऊंगा, तू चुपचाप से मेरे साथ निकल। अब एक छोड़ यार, गोली चलाना बंद कर गाइस, इसे फटाफट से गाड़ी में बैठाता हूँ। सो अभी गाइस ड्राइवर को मैंने भाई गाड़ी के अंदर बैठा लिया है, वैसे वो अभी भी बाहर ही बैठ रहा था। मैंने इसको बोला नहीं भाई मैं लेकर ही नहीं जाऊँगा जब तक तू अंदर नहीं बैठेगा। अभी मैंने उसको बैठा लिया है। बाकी इसकी जो भाई यार व्हील चेयर है उसको भी मैंने मैग्नेट से अच्छे से लगा लिया है ताकि नीचे ना गिरे। अबे निकल ले भाई, तू ही चला जा पहले। इस ट्रैक्टर वाले को ज़्यादा पड़ी है, यहाँ के फार्मर्स ना कुछ ज़्यादा ही तेज है भाई। बाकी यार अपना हाईटेक वाला बंकर देखो ज़्यादा दूर पे नहीं है, तो सीधे मैं वहीं पे जा रहा हूँ। फटाफट से इसको हाईटेक बंकर पे पहुँचाते हैं। और कमांडो से ना मैं स्पेशली बोल दूंगा कि कुछ भी हो जाए भाई इसको ना बाहर नहीं निकलने देना। अगर ये बाहर जाने की कोशिश करता है ना तो मुझे इन्फॉर्म करो, मैं आऊँगा, पर इसे कहीं नहीं जाने देना। और ये यार रास्ते में खड़े होकर क्या कर रहे हैं, हद है भाई। ये लोग भी ना जब भी आओ यहीं खड़े रहते हैं भाई, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो अभी गाइस मैं ट्रेवर को लेकर अपने हाईटेक बंकर की तरफ पहुंचने वाला हूँ। ट्रेवर को मैंने समझा दिया है कि तू कुछ दिनों तक यहीं पे रहे जब तक तेरे पैर ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यार तेरे लिए और कोई नुकसान पहुंचे। ये अगर ऐसी गैंग से लड़ता रहा ना तो गैंग वाले इसके पीछे ज़रूर पड़ जाएंगे। और गाइस अभी भाई ये व्हील चेयर पर है तो कुछ भी उसको नुकसान पहुँच सकता है। तो ड्राइवर तू गाड़ी के अंदर ही बैठ, मैं कमांडोज को भेजता हूँ, वो तेरे को व्हील चेयर के साथ लेकर अंदर आ जाएंगे। गाइस तुम लोग यहाँ देख सकते हो यहाँ पे कमांडोज वगैरह खड़े हुए हैं। ओके तो कमांडोज एक काम करो, जाओ जल्दी से ड्राइवर को लेकर आओ, व्हील चेयर वगैरह उसकी उतार देना और उसको अंदर लेकर आओ। बाकी मैं फटाफट से अंदर चलता हूँ यार, सन्नी की कार भी बाहर ही खड़ी हुई है, इसका मतलब वो भी अपने बंकर में ही है। चल के उससे बात करनी है कि यार आखिरकार उसने डगन बॉस के मेंशन से चोरी क्या किया है। वैसे भाई वो चोरी करके ले कैसे आ गया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। डगन बॉस के मेंशन पे भी ना सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मैं एक काम करता हूँ पहले मैं ऊपर के साइड देखता हूँ ऊपर है वो या फिर नीचे है यार कमांड सेंटर में। एक मिनट मेरे को देखना पड़ेगा, यहाँ तो गाइज मेरे को कोई नज़र नहीं आ रहा भाई। जहाँ अपने सारे के सारे हैकर्स होते हैं ना मुझे लगता है वहीं पे वो है। चल के देखते हैं फटाफट से, उसे पता करते हैं कि बहुत से गाइज अपने को नीचे के साइड जाना है। बाकी ट्रेवर भी ना अंदर आ ही रहा होगा, मैं कमांडो से भी बोल दूंगा, बाकी टीम से बोलूंगा कि ट्रेवर का ध्यान रखो। बाकी अभी सबको पता लग चुका है कि ट्रेवर के पैरों में चोट लगी हुई है। वैसे ये बात मैंने नहीं बताई है पर धीरे धीरे सबको पता ही लग गई। ये रहा देखो गाइस यहाँ पर सन्नी, और बाकी यहाँ से बात करें अपनी टीम से, फ्रैंकलिन भी यहीं पर है। ओके तो सन्नी देख मेरी बात सुन, फटाफट से साइड में आ, मेरे को तेरे से ज़रूरी बात करनी है यार। तूने मेरे को फ़ोन पर बताया था कि तू कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आया डगन बॉस के मेंशन से, आखिरकार वो इन्फॉर्मेशन क्या है?
मैं जब डगन बॉस के मेंशन पर गया था ना, तो मैंने उसके ऑफिस के अंदर ना कुछ फाइलें देखी थी, और उन फाइलों को ना मैं लेकर आ गया हूँ, और उसमें ना कुछ इन्फॉर्मेशन है तगड़ी वाली। क्या इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें? ये लिखा है ना कि कुछ कंटेनर्स आने वाले हैं लॉस सेंटोस में कुछ दिनों के अंदर अंदर। कुछ कंटेनर्स? उनमें ये तो नहीं लिखा है कि क्या आने वाला है उसके अंदर, पर कुछ कंटेनर आने वाले हैं बहुत सारे। डगन बॉस के? हाँ, डगन बॉस के कंटेनर। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन गाइस हमारे काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। अगर डगन बॉस के अगर कंटेनर्स आ रहे हैं, उसके अंदर पक्का कोई ना कोई तगड़ा सामान होगा, और अगर वो हम लोग जब्त कर लेते हैं तो शायद हम लोग डगन बॉस तक पहुंच जाए। और डॉग का जो पूरा एरिया है गाइस, वो पूरा का पूरा एरिया भाई हमारा ही एक तरीके से, हमें उस पर बस नजर रखनी होगी। तूने ये काम बहुत सही किया है, ये इन्फॉर्मेशन किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि हमें ये बात पता है, समझ रहा है ना तू? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो तू एक काम कर, देख तू यहीं पे रह, और ट्रेवर के ऊपर यार देखो नजर रखो, ट्रेवर को अकेले कहीं नहीं जाने देना, इसने अपनी जान आज भी खतरे में डाली है, तो मैं नहीं चाहता इसे कुछ भी हो, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। और आज एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, तो आज रात सबको अपने होटल में पहुंचना है। फ्रैंकलिन सारे काम हो रहे हैं ना ठीक से? ओके, तो देखो आज रात सबको रेडी होकर अपने होटल में पहुंचना है, अपनी टीम भी कुछ ही देर में आ रही होगी। लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, उसमें कोई कमी ना रहे, तो तुम लोग सारे लोग रेडी होकर टाइम से पहुंचाना, ठीक है? सो गाइस अभी मैंने इन लोगों को समझा दिया, ये लोग फिलहाल यहीं पे रहेंगे। अभी ट्रेवर क्या कर रहा है भाई, आराम से इन लोगों के साथ रहे, बातचीत कर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइज मैं भी यहाँ से निकलता हूँ, बाकी अपने होटल पे गाइज देखो तैयारी वगैरह चल रही है भाई, आज लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है। एंड अभी मेरे को निकलना है भाई, अभी मेरे को निकलना है गाइज मिलिट्री कर्नल के पास, मिलिट्री कर्नल से भी यार मिलकर आना है। आप लोग को पता है यार वो काफ़ी टाइम से गायब था, उसे पीटर के बंदों ने किडनैप कर लिया था, एंड उसे दुबई किंग ने बचाया था। गाइज दुबई किंग से मेरे को याद आया, क्यों ना मैं उससे हेल्प लूँ, क्योंकि अभी ना यार देखो अपने तीन तीन दुश्मन हैं, एंड दोस्त कम काम आएगा भाई। दुबई किंग से अभी अपनी दोस्ती हो रखी है, क्यों ना उससे मैं चल के बात करूँ, वो भी शायद हमारी मदद कर सकता है। ओके, तो ये चीज़ काफ़ी सही रहेगी, मैं उससे भी मिलकर आऊँगा। तो फटाफट से एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, पहले मिलिट्री के कर्नल से मिलते हैं, फिर दुबई किंग से भी मिलेंगे, और उसे यहाँ पार्टी के लिए भी इन्वाइट तो करना है यार, क्योंकि अभी तक मैंने उसे पार्टी के लिए इन्वाइट नहीं किया है। कि बहुत सही, बाकी एक बार अपनी टीम आ जाए फिर आराम से होटल में हम लोग पार्टी करने वाले हैं। एंड हाँ, एक दो दिनों में हम होटल को ओपन कर देंगे लॉस सैंटोस की पब्लिक लिए, फिर हम लोग वहाँ से बहुत पैसे कमाने वाले हैं, जो होटल है ना वो बहुत पैसे कमा के देगा। तो फटाफट से गाड़ी को वहाँ से निकालता हूँ, जल्दी से चलते हैं गाइस मिलिट्री बेस और मिलिट्री कर्नल से बातचीत करते हैं। सो भी गाइस हम लोग अपनी रोल्स रॉयस को भगाते भगाते वही मिलिट्री बेस की तरफ पहुँचने वाले, और मैंने ना मिलिट्री कर्नल को कॉल भी किया था, तो मुझे पता लगा है कि यार वो ना अपने ऑफिस के अंदर अपने काम वगैरह ख़त्म कर रहा है। तो मैंने उसको बोला ठीक है भाई, मैं तेरे को मिलने वहीं पर आ रहा हूँ, तेरे को नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, तू आराम वगैरह करना। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से पहले गाड़ी को पार्किंग में लगाते हैं एंड चल के मिलिट्री के कर्नल से मिलते हैं। और भाई काफ़ी दिन हो चुके हैं, मैं उससे मिला भी नहीं हूँ। तो तुम लोग देख रहे हो भाई नीचे ऑफिसर्स वगैरह खड़े हैं, इन लोगों से अपने को टेंशन नहीं है, सीधे चलते हैं। और मैंने यार सीढ़ियों से नहीं जाने वाला भाई, यहाँ की लिफ्ट अभी स्टार्ट हो चुकी है, तो हम लोग ना लिफ्ट से ही चलने वाले, नहीं तो सीढ़ियों से जाने में ना सही में हालत ख़राब हो जाएगी। तो एक काम करते हैं ना, लिफ्ट से चलते हैं। बस यार ये लिफ्ट चल रही हो भाई, फाइनली चलो चल रही है, तो अभी फटाफट से यार ऊपर चलते हैं। तो अभी हम लोग यार ऊपर की साइड आ चुके हैं, फटाफट से यार मिलिट्री कर्नल के ऑफिस में चलते हैं। और सही में यार ऑफिस में तो मैं बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ, नहीं तो जब भी मेरे को काम रहता है ना, नीचे से एक भाई मिलिट्री कर्नल से मिलते हैं, काम वगैरह बताते हैं, मैं वहीं से चला जाता हूँ। बट आज मैं बहुत टाइम के बाद उसे ऑफिस में मिलने आ रहा हूँ, देखते हैं वो है कहाँ पे और वो घड़ा है। और भाई मिलिट्री कर्नल क्या हाल चाल है तेरे, सब बढ़िया है ना? बाकी तेरी भाई तबीयत वगैरह ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? अबे तू पीटर को छोड़, पीटर को तो हम लोग ढूंढ ही लेंगे, तू बता तू कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? ठीक है, तो मिलिट्री कर्नल बोल रहा है कि यार अभी वो एकदम फिट है भाई, अपने काम वगैरह कंप्लीट करने हैं, क्योंकि इसके ऑफिस के बहुत सारे काम रह गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तू यार अपने काम निपटा, मैं बस तेरे से मिलने आया था और कोई काम नहीं है। और हाँ, आज हम लोग एक पार्टी रख रहे हैं भाई, मैंने होटल खरीदा है, शायद तुझे मैं बताना भूल गया, तो पार्टी में मैंने तेरे को भी इन्वाइट किया है, तो शाम को भाई रेडी वगैरह होकर सीधे पार्टी में आ जाना, काम कितना भी हो पर पार्टी में ज़रूर आना है। नहीं नहीं भाई, काम तेरे को देख, काम तो होते रहेंगे पर पार्टी में ज़रूर आना, मैं तेरे को सामने से भाई इनवाइट करने आया हूँ, समझ रहे ना? तो ठीक है, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ, तू आराम वगैरह कर और अपने काम निपटा। गाइज मैं बस इससे मिलने आया था, मैं इसे यार परेशान करना नहीं चाहता, कि बार बार पीटर के बारे में पूछ रहा, और मैं नहीं चाहता कि यार ये भी परेशान हो, वैसे भी यार बेचारा काफ़ी दिनों से भाई गायब था,
फाइनली हम लोगों ने इसे ढूंढ तो लिया है, और इसमें यार दुबई किंग ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। बाकी गाइज अभी ना मेरे को उसके पास भी चलना है, उसे पार्टी में भी इनवाइट करना है, एंड साथ में मेरे को उससे हेल्प भी मांगनी है। तो अभी मैं यार मिलिट्री गनल से मिलकर यार नीचे की साइड आ चुका हूँ, जल्दी से अभी मेरे को यहाँ से निकलना है। मैंने मिलिट्री गनल को तो इन्वाइट कर दिया, बाकी पॉलिटिशियंस को तो लेस्टर इन्वाइट कर देगा, मुझे ना बस दुबई किंग को इन्वाइट करना है। तो इन लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं यार, मिलिट्री गनल अपना दोस्त है, और मैं ना सिर्फ अपने टीम मेंबर्स को, अपने जितने भी कलीग हैं सिर्फ उन्हें ही बुला रहा हूँ। VIP पॉलिटिशियन और अपने टीम मेंबर्स हैं, वो भी लॉस सैंटोस पहुंचने वाले हैं। उनके लिए ना मैंने इक्लिप्स टावर के ऊपर जो अपना अपार्टमेंट है ना उसको फुल रेडी करवा दिया भाई, साफ सफाई करवाई, सिक्योरिटी वहां पर जा चुकी है, कमांडोज वहां थोड़े काम है, पर बहुत जल्दी हम लोग वहां पे कमांडोज भी लगा देंगे, क्योंकि अपनी टीम को भी हम लोग को सेफ रखना है। और इस बार ना गाइस मैंने सबको बुलाया है, और भाई इतनी ज़्यादा तेज़ी से मैं इसको भगा रहा था कि ब्रेक भी नहीं लगे। पर तुम लोग गाड़ी की क्वालिटी देख रहे हो भाई, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, इतनी ज़्यादा तेज़ी से लाकर मैंने ठोका, फिर भी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, एक छोटी सी स्क्रैच भी नहीं आई है। तो अभी गाइस हम लोग गाड़ी को लेकर यार दुबई किंग के मेंशन पे पहुंचने वाले, और अभी ना इसे यार पार्टी में इनवाइट करना है, और साथ में इसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताना है। ये बंदा अपनी हेल्प ज़रूर करेगा गाइस, तीन तीन हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, तो दुबई किंग से हेल्प लेना तो बनता ही है। तो गाइस ये रहा इसका मेंशन, फटाफट से यार ऊपर की साइड चलते हैं। और इसने भी ना यार कमांडोज को और ज़्यादा बढ़ा दिया है भाई, इसने मेरे से लोकेशन पता की थी कि मैंने कहाँ से कमांडो मंगाया है, मुझे लगता है गाइस इसने और भी मंगा लिए। वैसे हम लोगों ने काफ़ी सारे गिफ्ट किए थे, और चारों तरफ भाई पूरा का पूरा मेंशन कमांडोज से भरा है। इसकी जो आर्मी वाले बंदे थे ना वो इसने सारे के सारे अपने बंकर पे लगा दिए, अपने टनल पे लगा दिए हैं, एंड यहाँ पे कमांडो लगा रखे हैं। भाई ये बंदा भी ना बहुत ज़्यादा रिच है, फटाफट से अंदर चलते हैं, और मैंने इसे पहले इन्वाइट करूँगा भाई होटल के बारे में। आज लॉस सैंटोस में बहुत बड़ी पार्टी होने वाली हो, और दुबई किंग तो मेरे को सामने ही दिख रहा है, बट ये शायद किसी को फ़ोन कर रहा है भाई, बिजी लग रहा है, एक मिनट बात करते हैं। हेलो भाई दुबई किंग, बिजी है क्या भाई तू? ओके तो गाइस ये बोल रहा है कि भाई नहीं नहीं बिजी नहीं हूँ यार, मैंने एक ज़रूरी काम से आया था, मेरे को ना तेरे को पार्टी में इन्वाइट करना है, आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी है, अभी हमने नया होटल लिया था इसी वजह से पार्टी रख रहे हैं, तो मैं पर्सनली तेरे को इन्वाइट करने आया क्योंकि तू मेरा दोस्त है। तो ठीक है आज भाई जो भी तेरे को काम हो सारे काम निपटा के रात को यार होटल में पहुंच जाना, और यार तेरे से ना एक ज़रूरी बात भी करनी है, तो एक मिनट यार देख साइड में आ। गाइज मैं इसको पूरी प्रॉब्लम समझाता हूँ, क्योंकि यार ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। भाई आप लोग को याद है डेविड इसके नाम से भाग रहा था सड़कों पे, और इसने बहुत ही गंदी तरीके से पीटा था। तो यार दुबई किंग देखो डेविड के बारे में तो पता है, तू डेविड को जानता है, पीटर नाम का एक बंदा है, और डगन नाम का भी एक बंदा है, जो यार मेरे को परेशान कर रहे हैं, और इन तीनों ने यार हाथ मिला लिया है, और ये तीनों भी बहुत बड़े दुश्मन बन चुके हैं, तो मुझे ना तेरी हेल्प चाहिए इन तीनों को हराने के लिए। ओके सो गाइस दुबई किंग बोल रहा है कि भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, कोई भी आ जाए, वो माइकल के साथ खड़ा है, और माइकल के लिए ना एक चीज़ है भाई, माइकल को कुछ दिखाना है। तो भाई क्या दिखाना है? ओके सो गाइस ये बोल रहा है कि यार इसके लिए तो माइकल को इसके साथ जाना पड़ेगा। ठीक है भाई मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। भाई ये अपने साथ है तो डरने की जरूरत नहीं है यार, अपनी टीम भी आ रही है, दुबई किंग अपने साथ है, तो दुश्मन कितने भी आ जाए भाई अपन लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और लिबर्टी सिटी का माफिया भी तो था ना, कोई दिक्कत नहीं गाइस, सबसे निपट लेंगे। माइकल भाई किसी से नहीं डरता, हाँ थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, बट कोई नहीं भाई, मारने पर आया ना तो सबको ख़त्म कर देगा। ओके बहुत सही। तो गाइस अभी हम लोग बाहर के साइड आ चुके हैं, भाई जाना कहाँ पे है? ठीक है मैं अपनी गाड़ी निकालता हूँ। दुबई किंग बोल रहा है कि माइकल एक काम करे अपनी कार को निकाले, वो भी अपनी कार को लेने गया है। भाई क्या दिखाना है इससे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, बोल रहा है तो इसके साथ चलते हैं। भाई अपनी रोल्स रॉयस लेकर आता है, ये भी कोई और कार नहीं चलाता भाई, चलाता है तो रोल्स रॉयस ही चलाता है। ठीक है मैं भी इसके साथ में चलता हूँ, पर गाइस कुछ भी बोलो यार, मेरी रोल्स रॉयस और इसकी रोल्स रॉयस में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है, उसमें ना थोड़ा प्रीमियम लुक आता है, एंड अपनी ना खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग वाली है, तो मैं इसके पीछे पीछे एकदम आराम से चलने वाला हूँ। मुझे नहीं पता ये लेकर कहाँ जा रहा है, जैसे ही मैंने इससे हेल्प की बात की गाइज मेरे को कहीं तो लेकर जा रहा है, मुझे नहीं पता ये दिखाना क्या चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने पीटर को पकड़ लिया हो, अगर ऐसा हो गया ना गाइज एकदम मज़ा आ जाएगा। तो अभी फिलहाल इसके साथ चलते हैं एंड चल के देखते हैं ये आखिरकार ये लेकर कहाँ जा रहा है। तो अभी गाइज मैं दुबई किंग का यार पीछा करते करते एकदम पलीटो की तरफ आ चुका हूँ, और मुझे नहीं पता ये पलीटो में लेकर कहाँ जा रहा है। ओके तो गाइस आगे के साइड तो पलीटो वाला एयरपोर्ट है ना, जहाँ पे हम लोग बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं। अबे दुबई किंग पलीटो के एयरपोर्ट में क्या लेकर आया है भाई, हद है यार। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलते हैं इसके साथ, हो सकता है गाइस कुछ तगड़ा दिखाने वाला हो। ठीक है एकदम आराम से भाई,
एक तो ना इधर गाड़ी चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ओके तो गाइस ने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा ली, मैं एक काम करता हूँ गाइस मैं भी अपनी पार्किंग में कार लगा देता हूँ। वैसे दुबई किंग यार पार्किंग में लगाने की जरूरत नहीं थी, अगर तेरे को एयरपोर्ट में जाना है ना, ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट अपना ही है भाई, मैं नहीं रेडी कर पाया था, तो हम लोग यहाँ पर गाड़ी लेकर भी जा सकते थे। वैसे जाना कहाँ पे ये तो बता भाई, एयरपोर्ट तो पूरा का पूरा खाली लग रहा है, पीछे जाना है ठीक है, तो ये बोल रहा है कि पीछे हैंगर की तरफ जाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जा फिर भाग भाग कर चलते हैं क्योंकि यार बहुत ज़्यादा दूर है। एंड यहाँ पर वैसे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी रहती हैं गाइज, बट कार्ट वगैरह मेरे को नज़र नहीं आ रही यार। एयरपोर्ट के अंदर चलने वाली गाड़ियाँ गाइज अक्सर यहाँ पर खड़ी रहती है, अभी पता नहीं कहाँ गई। दुबई किंग पीछे जाना है क्या? ठीक है भाई मैं चल रहा हूँ तेरे पीछे पीछे। अबे भाई पैदल लेकर जा रहा है ये भी भगाते हुए, बोलता था तो अंदर गाड़ी लेकर आ जाते, पैदल चलने की जरूरत ही नहीं थी भाई। कितना दूर पैदल जाना है, हद है भाई वहाँ पीछे। मुझे लगता है कि यार जो एयरपोर्ट पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं ना वो भी शायद पीछे के साइड ही होंगी, क्योंकि एक भी देखो नज़र नहीं आ रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से तो पैदल जा रहे हैं पर उधर से तो गाड़ियों से ही आएंगे भाई, पैदल नहीं आया जाएगा। ओके सामने गाइज मुझे बहुत सारे बंदे नज़र आ रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा बंदे हैं, ये आखिरकार किसके हैं? ओके हेलीकॉप्टर्स को तो गाइज मैं अच्छे से पहचानता हूँ, ये दुबई किंग के हेलीकॉप्टर्स हैं, बट ये बंदे भी दुबई किंग के हैं भाई। इस ड्रेस को मैं भूल नहीं सकता भाई, ये लोग मेरे को किडनैप करके ले गए थे दुबई किंग के पास जब सबसे पहली बार मिले थे, मेरे को याद है। ओके तो दुबई किंग ये तो तेरी सिक्योरिटी वाले बंदे हैं ना भाई, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ओके ओ तेरी, दुबई किंग बोल रहा है कि यार ये सारे लोग माइकल की हेल्प करने के लिए बुलाए हैं और ये कमांडोज की तरह भाई सिक्योरिटी वाले हैं, पर ये जासूस भी है भाई, एक साथ के काफ़ी सारे काम करते हैं, मतलब माइकल को प्रोटेक्ट करेंगे भाई, माइकल के लिए अपनी जान दे देंगे, साथ में जासूसी के काम करेंगे, मतलब पीटर के बारे में पता लगाएंगे, पीटर डगन बॉस और भाई डेविड के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो ये तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है भाई। अगर ये जासूस है तो भाई ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। दुबई किंग ने गाइस अपनी आर्मी से बेस्ट ऑफिसर्स को यहाँ पर बुलाया है हमारी हेल्प करने के लिए, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है गाइस, सही में भाई देख रहे हो। मैं इसके पास गया था हेल्प मांगने, बट ये बंदा तो पहले से यार अपनी हेल्प करने के लिए पूरी तैयारी कर रखा है भाई इसने, यहाँ देख रहे हो अपनी आर्मी के बंदे बुला रखे हैं इसने, ये चीज़ गाइस बहुत ही ज़्यादा सही है। ओके तो दुबई किंग से फटाफट से बात करते हैं भाई। दुबई किंग तो यार थैंक यू सो मच, तूने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की, बाकी यार इन बंदों को ना लॉस सैंटोस में हर जगह भेज दे। हाँ जो बताया यार हम लोग दोस्त हैं, तो एक काम कर इन बंदों को ना पूरे लॉस सैंटोस में फैला दे, पीटर डेविड और भाई डगन बॉस तीनों के फोटोज़ मैं तेरे को भेज देता हूँ, तीनों के फ़ोटो भेज दे, वो लोग कहाँ रहते हैं सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। ओके तो अभी ये कहाँ जा रहा है? ठीक है हो गया ना अपना काम। अच्छा गाड़ियाँ एयरपोर्ट वाली यहाँ खड़ी है, ठीक है तो फिलहाल अभी हम लोग इससे ही चलते हैं, तू इन्हीं के साथ रहने वाला है। ओके तो दुबई किंग बोल रहा है कि यार वो ना अपने आर्मी के बंदों को काम समझाएगा, प्रेसिडेंट यहाँ से जा सकता है, बस प्रेसिडेंट को यही दिखाने वाला है। तो भाई ये बंदा ना बहुत ज़्यादा सही है, बाकी पार्टी में बस टाइम से आ जाए भाई, इसने अपने लिए इतना सब कुछ सोच रखा है गाइस, सही में भाई मैं इसके पास हेल्प मांगने गया था बट इसने तो हेल्प की तैयारी करने के लिए पहले से बंदे बुला लिए और अभी अपने आर्मी के बंदों को समझा रहा है कि भाई मेरे लिए क्या क्या काम करना है, ये चीज़ तो गाइस बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बाकी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। तो अभी गाइज मैं यहाँ से यार अपनी कार के पास जा रहा था और अभी मेरे पास यार इंडियन बॉस का कॉल आ चुका है गाइज, वो लॉस सैंटोस पहुँचने वाला है एयरपोर्ट पे, तो बोल रहा है कि यार प्रेसिडेंट से लेने आ सकता है तो आ जाए, तो मैंने बोला ठीक है भाई मैं बस कुछ ही देर में पहुँच रहा हूँ। यार अपने टीम वाले आ चुके हैं भाई, ये खुशी ना एकदम अलग ही होती है जब भी अपने टीम वाले आते हैं, और इस बार तो गाइज मैं उन्हें जल्दी जाने नहीं दूंगा भाई, उन्हें रोक कर रहना है जब तक ये सारी प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। फटाफट से निकलते हैं और जाते जाते ना गाइज मैं अपने घर की तरफ से होकर जाने वाला हूँ, अपनी फैमिली वालों से बातचीत करनी है और हाँ घर पे थोड़ी सिक्योरिटी को भी बढ़ाना है, उन लोगों को समझाना है कि कुछ भी हो जाए भाई बिना मेरी परमिशन के घर से कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, मैं नहीं चाहता हूँ कि उनमें से किसी को भी कुछ हो जाए। तो पहले एक काम करते हैं, रास्ते में माइकल का घर पड़ेगा, पहले घर पे चलते हैं उसके बाद एयरपोर्ट चलेंगे और चल के अपनी टीम वालों को रिसीव करते हैं। सो अभी गाइस हम लोग अपने हाईवे वाले मेंशन पे पहुंचने वाले हैं भाई, फटाफट से चल के मैं अपनी फैमिली से मिल लेता हूँ और उनको समझा भी देता हूँ। मेरे को सबसे पहले ना यार जिमी को समझाना है क्योंकि जिमी ना यार मानता ही नहीं है। फटाफट से अंदर चलते हैं, बहुत सही ये वाला मेंशन है, मेरे को बहुत सही लगता है। और भाई सामने देख रहे हो अपने कमांडोज भी घूम रहे हैं, तो वही काम कर दो ना इस वाली कार को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि अंदर ना ज़्यादा जगह नहीं होगी यार, अंदर ना ऑलरेडी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं,
ब्रेबस भी यहाँ पर खड़ी है भाई, इसको किसने निकलवा दिया? चलो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कमांडोज वगैरह यहाँ पर और भी आए हूँ। वैसे मुझे ना यहाँ पर और भी कमांडोज को बुलवाना है, यहाँ पर मैं ब्लैक कमांडोज और रेड वाले जो अपने दोनों हैं वो यहाँ पर लगवा दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि माइकल की फैमिली एकदम सेफ रहे। और एक मिनट गाइज, जिमी तो यहाँ पर बैठा हुआ है। ओके तो जिमी मैं तेरे से ही मिलने आया था। अबे तुझे कैसे पता चला पार्टी के बारे में? हदे भाई, जिमी बोल रहे कि यार आज पार्टी होने वाली है। भाई होने वाली तो है जिमी, पर तुझे उसमें नहीं आना है। भाई तुझे भी आना है क्या? अबे यार जिमी बोल रहा है कि भाई पार्टी में तो उसे नहीं भी आना है, क्योंकि भाई पार्टी के बारे में उसे पता लग गया और ये बात उसे फ्रैंकलिन ने बताई है। फ्रैंकलिन भी ना यार, मैंने उसे मना किया था कि नहीं बताए ना। चल ठीक है भाई, तू आ सकता है पर मैं कमांडोज को भेजूंगा तुझे लेने, तू खुद मत आना। अबे तेरे फ्रेंड्स वगैरह क्या करेंगे आकर भाई? चल ठीक है यार, जिसे लाना हो ले आना, कोई दिक्कत नहीं, और मैं कमांडोज को भेजूंगा तभी आना। हाथ दे, देखो अपने दोस्तों को कॉल कर रहे हैं, बाकी मैं इन लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। अमांडा और ट्रेसिया खड़े, इनकी दिक्कत नहीं है भाई। तो अमांडा और ट्रेसिया यार, तुम लोगों से एक बात करनी है कि लॉस सैंटोस में ना अभी कहीं भी मत जाना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। हमारे जितने भी दुश्मन है ना भाई, सब ने हाथ मिला लिया है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि यार तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो, तो यार तुम लोग घर पर ही रहना। तो गाइज इन लोगों को देखो पार्टी वगैरह में आने की कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और वो देखो भाई वहाँ देख रहे हो अलग ही उसे इंटरेस्ट हो रहा है, और अपने दोस्तों को भी बुला रहा है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिमी को आने दो। अबे बाहर कहाँ जा रहा है ये? एक सेकेंड, ओके बाहर नहीं जा रहा भाई, वॉशरूम में जा रहा है। मैं गलती से भाई वॉशरूम में आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, तुझे जो करना है कर ले, मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, मैंने अपनी फैमिली को तो समझा दिया है, अभी निकलते हैं एयरपोर्ट पर और चल के अपनी टीम को लेकर आते हैं। वो लोग भी आने ही वाले होंगे, और मैं यार इसी कार में जाऊँ? हाँ इसी कार में चलते हैं यार, उन्हें बताना भी तो है, और दुबई किंग से भी तो मिलाना है भाई। अभी तक मैंने अपनी टीम को दुबई किंग के बारे में नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं, आज रात में ना मैं सबको मिला दूंगा उससे। फटाफट से निकलते हैं बहुत से, और सीधे ना मेरे को एयरपोर्ट ही जाना है। एयरपोर्ट पर वो लोग आने ही वाले होंगे, उन्हें पिक करके सीधे मैं एक्लिप्स टावर वाले अपार्टमेंट में ही जाने वाला हूँ, क्योंकि उससे मैंने रेडी करवा दिया है। अभी वो लोग आराम करेंगे, अभी मैं बोल दूंगा कि यार तुम लोग सीधे काम पे मत लग जाओ, क्योंकि वो लोग ना भाई पीटर को और हमारे दुश्मनों को खत्म ही करने आ रहे हैं। सो अभी गाइस मैं अपनी रोल्स रॉयस को लेकर यार एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं, और अभी मेरे को पता लग गया है कि यार इंडियन बॉस ना एयरपोर्ट पहुंच चुका है, और वो ना अपने प्राइवेट प्लेन से आया है। तो मेरे को ना डायरेक्टली अंदर ही चलना पड़ेगा, नहीं तो मैंने सोचा था बाहर इंतजार करना होगा। तो वो गाइस अपने हैंगर के आसपास ही है, मैंने उसको बोल दिया है कि जो लास्ट वाला हैंगर है ना वो अपना ही है भाई, वहीं पर प्लेन को रोक लेना, तो मेरे को सीधे वहीं चलना पड़ेगा। ओके तो गाइज मुझे ना एक प्लेन तो नज़र आ रहा है, हैंगर के अंदर खड़ा है क्या ये? हाँ हैंगर के अंदर ही खड़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं गाइज, ये अपना पूरा का पूरा हैंगर अपना ही है, और वो देखो वहाँ पे। तो गाइज इंडियन बॉस के यहाँ पर आ चुका है, क्या बात है भाई। तो क्या हाल चाल है भाई, सब बढ़िया ना? काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर आया है। ओके तो हाँ भाई ये कार मेरी, आ जा मैं तेरे को दिखाता हूँ। भाई जो भी नया आता है ना सबसे पहले कार को ही पूछता है भाई। यार ये एक रोल्स रॉयस है, मुझे पता है दिखने में लग नहीं रही है, ये एक मॉडिफाइड 6x6 रोल्स रॉयस है। तेरे को बता भाई ये गाड़ी ना मैंने खरीदी नहीं है, मेरे को गिफ्ट मिली है, मेरे एक दोस्त ने गिफ्ट की थी। आजा आजा सारी बातें मैं तेरे को रास्ते में बताता हूँ, फटाफट से गाड़ी में आ जाओ। और बाकी इंडियन डॉन का यार वो नहीं आया क्या? ओके तो गाइस ये बोल रहे हैं कि यार वो भी आ रहा है भाई, वो भी अपने हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन से ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। जैसे ही वो आते हैं या तो मैं लेने आ जाऊँगा या फिर मैं अपने कमांडोज को भेज दूंगा। भाई अपनी टीम यहाँ पर आ रही है ना, एक अलग ही मज़ा है। तो मैं ना तेरे को एक काम करता हूँ ना, सीधे अपार्टमेंट में लेकर चलूँ क्या? ठीक है फिर मैं तेरे को अपार्टमेंट में लेकर चलता हूँ। तो गाइज इसको अपार्टमेंट में छोड़ देते हैं, ये आराम वगैरह करेगा। पार्टी के बारे में इसे भी पता है कि आज रात पार्टी होने वाली है, तो सारे लोग भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो फटाफट से एक काम करते हैं ना, इसको सीधे अपने अपार्टमेंट में लेकर चलते हैं, इसका प्लेन तो अपने हैंगर में ही खड़ा रहेगा। सो भी गाइज मैं अपने अपार्टमेंट की तरफ पहुंचने वाला हूँ, और मैंने रास्ते में से काफ़ी ज़्यादा बात की, ये सीधे मेरे को पीटर के बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह ले रहा था। तो मैंने इसको बोल दिया कि यार तू अभी टेंशन वाले, पीटर का हम लोग बाद में देखेंगे, तो अभी आराम कर, क्योंकि ये लोग अभी यहाँ पर आए हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लोग सीधे पीटर को ढूंढने में लग जाएँ। वैसे पीटर को ढूंढने के लिए ना अपनी पूरी की पूरी टीम तो लगी हुई है। और एक मिनट, अबे ये अंदर गाड़ी पार्किंग में किसकी है? अभी ये तो हमारी पर्सनल पार्किंग है ना गाइज, ये मिनी कूपर है भाई, ये किसने यहाँ पे लगा दी? ज़रूर अपने अपार्टमेंट में कोई ना कोई आया होगा। आजा आजा इंडियन बॉस, डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगे हुए हैं। ओके ऊपर अपार्टमेंट में कोई ना कोई तो ज़रूर गया होगा। तो गाइज फटाफट से काम करते हैं, जल्दी से ना ऊपर के साइड चलते हैं, आजा भाई। तो अभी हम लोग यार अपार्टमेंट में ऊपर के साइड आ चुके हैं, आजा यार इंडियन बॉस फटाफट से अंदर के साइड चलते हैं।
को देखना पड़ेगा। और एक मिनट भाई, तुम लोग कहीं सामने चेक करो भाई, इंडियन डॉन और गोल्ड माफिया यहाँ पे है। अबे जो नीचे गाड़ी खड़ी थी तुम लोगों की गाड़ी है क्या? ओके तो गाइस गोल्ड माफिया बोल रहे हैं कि वो व्हाइट कलर की मिनी कूपर मेरी है, और इंडियन डॉन तू यहाँ कैसे आया? ओके हेलीकॉप्टर से, क्या बात है भाई। गाइस ये तो मेरे को सरप्राइज मिल गया यार, ये लोग बिना बताए अपने अपार्टमेंट में आ चुके हैं। मैं बस इंडियन डॉन को पिक करने गया था एंड ये दोनों भी आ गए। वो देखो गाइस वहाँ उसने भी ड्रिंक वगैरह ले लिया, बहुत सही, तुम लोग इंजॉय वगैरह करो। और हाँ पीटर को भाई तुम लोग छोड़ दो, उसको तो मैं देख लूँगा। ओके तो गोल्ड माफिया बोल रहा है कि उसने तो काम भी स्टार्ट कर दिया है भाई, अपने बंदों को लगा रखा है पीटर को ढूंढने के लिए। अब यार मैंने बोला था ना गाइस अपनी टीम अब एक बार आ गई है, अब वो लोग लॉस सैंटोस में कहीं भी छुपे हों अब वो लोग नहीं बचने वाले भाई, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो ठीक है तुम लोग इन्जॉय वगैरह करो, बाकी रात को रेडी रहना, रात को बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। बाकी गाइज मेरे को लेस्टर को बताना पड़ेगा यार, इन सब में लेस्टर को कॉल करना तो मैं भूल ही गया, लेस्टर को बताना है। एंड जो सनी ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी थी ना डगन बॉस को लेकर कि डॉग पे उसका बहुत तगड़ा कुछ कंटेनर आने वाला है, कुछ सामान आने वाला है, अब उसके अंदर क्या है मेरे को नहीं पता, पर लेस्टर इसके बारे में ज़रूर पता लगाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, उसे कॉल करता हूँ एंड उसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अभी मेरी लेस्टर से यार बात हो गई, और गाइस लेस्टर को मैंने जैसी ये इन्फॉर्मेशन दी, लेस्टर बोल रहे हैं कि यार सनी ने पहले वो डॉक्यूमेंट वाली फाइल उसको लाकर दे दी थी, उसने जैसे वो चेक किया तो लेस्टर बता रहा है कि यार उन कंटेनर्स के अंदर ना कुछ बहुत एक्सपेंसिव है, तो अगर हम लोगों ने कंटेनर्स पकड़ लिया तो हम लोग शायद डगन बॉस तक भी पहुंचे हैं। तो लेस्टर बोल रहे हैं कि उसने पूरे डॉक पे अपने बंदों को फैला दिया है, माइकल बिल्कुल भी टेंशन ना ले, जैसे उसके कंटेनर्स आएंगे हम लोग सीधे उन पर अटैक कर देंगे। तो डगन बॉस तो गाइस बचने वाला नहीं है। बाकी लेस्टर ने मेरे को एक गुड न्यूज़ भी दी है, लेस्टर बता रहे हैं कि उसके जितने भी इन्फॉर्मर्स हैं उन लोगों ने काफी ज्यादा उसे न्यूज़ दी, बट एक बंदे ने लिबर्टी सिटी से हम लोगों को एक खबर दी है कि पीटर को वहां देखा गया है। तो गाइस ये चीज हमारे काफी ज्यादा काम आ सकती है, अगर पीटर लिबर्टी सिटी में है इसका मतलब अपने बाकी के दुश्मन भी लिबर्टी सिटी में हो सकते हैं, और वो लिबर्टी सिटी इसीलिए गया है क्योंकि वहां पे लिबर्टी का माफिया है। पर मुझे नहीं लगता है कि अब वो उसे भाई बचा पाएगा, अब अपने पास बहुत ज्यादा पावर है भाई, अपनी पूरी टीम आ चुकी है, दुबई किंग अपने साथ है, अब वो बचने वाला नहीं है। तो गाइज मैं तो सोच रहा हूँ कि यार सीधे ना अब इंतज़ार नहीं करते हैं, सीधे लिबर्टी सिटी चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, वहाँ पे जो सामने आएगा जो उसे बचाएगा वो सारे लोग मेरे हाथ से मरने वाले हैं। एंड मेरे पास कमांडोस की पूरी आर्मी है भाई, माइकल प्रेसिडेंट ऑन लॉस सैंटोस का, माइकल कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, देखो मैं अपनी टीम को अभी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, वो लोग अभी अभी यहाँ पर आए हैं, तो मैं उनको बोल देता हूँ कि तुम लोग आराम वगैरह करो, मेरे को एक ज़रूरी काम है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ एंड लेस्टर से चल के बात करते हैं। ओके तो इंडियन बॉस, इंडियन डॉन और भाई गोल्ड माफिया तुम लोग यहीं पे रहो, पीटर को भूल जाओ कुछ टाइम के लिए, जो भी होगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, बाकी तुम लोग आराम वगैरह करो, हम लोग शाम को मिलते हैं। बाकी गाइज मैं भी यहाँ से निकलता हूँ, मेरे को एक ज़रूरी काम है, तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं गाइज। मैं लोग को परेशान नहीं करने वाला, पर ये बात मैं दुबई किंग को फ़ोन पे बता दूंगा एंड लेस्टर से चल के मिलते हैं और पूछते हैं करे क्या, या तो लिबर्टी सिटी जाना पड़ेगा या फिर इंतज़ार कर सकते हैं, और भाई इंतज़ार करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, वो और ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। तो अभी मैं एक्लिप्स टावर से यार बाहर आ चुका हूँ, और मैंने लेस्टर को ना यार सिटी की तरफ भी बोल दिया था कि तू भी सिटी की तरफ आ, मैं भी यहीं पे हूँ, मैं उससे मिलकर आराम से बात करने वाला हूँ। यार अभी ना हम लोग को बात करनी पड़ेगी कि करे तू करे क्या, या तो हम लोग उसका वेट कर सकते हैं कि वो लोग लॉस सैंटोस आए हम पर अटैक करें, हम लोग इंतज़ार करें, या फिर हम लोग जाकर सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। और मुझे तो देखो वेट भाई होता ही नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि सरप्राइज अटैक ही किया जाए। तो पहले लेस्टर की सुन लेते हैं कि यार वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि लेस्टर ही हमारी टीम का मास्टरमाइंड है, देखो जो भी वो प्लान बनाएगा ना हम लोग करेंगे वही, क्योंकि मैं जब भी कुछ अपनी तरफ से करता हूँ ना हमेशा गड़बड़ी हो जाती है। तो अभी लेस्टर का इंतज़ार करते हैं, लेस्टर एक बार सिटी में आ जाए फिर आराम से उससे बातचीत करेंगे। तो अभी गाइस मैं लेस्टर के पास जा रहा हूँ, और अभी मेरे को लेस्टर ने बताया कि वो गैंग वाले एरिया में एक रेस्टोरेंट की तरफ है, तो मैंने बोला ठीक है तू मेरा बस वहीं पर इंतज़ार कर, मैं बस वहीं पर पहुँचा। ओके तो मुझे लेस्टर की मस्टैंग तो गाइस नज़र आ चुकी है, और वो रहा सामने लेस्टर, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी को मैं साइड में लगा देता हूँ और जल्दी से इससे बात करते हैं कि यार इसका क्या प्लान है, क्योंकि लेस्टर के दिमाग में भी ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान होगा। ओके तो लेस्टर क्या सोचा तूने, क्या करना है भाई, इंतज़ार करें यहाँ पर पीटर का या फिर लिबर्टी सिटी चले? ओके ये करी ना तूने बढ़िया बात। तो गाइज लेस्टर बोल रहे हैं कि यार अभी ना इंतज़ार करने का टाइम नहीं है, जितना हम लोग इंतज़ार करेंगे पीटर उतने ही ज़्यादा प्लान बना लेगा, तो अभी हम लोग को लिबर्टी सिटी निकलना होगा। तो ठीक है लेस्टर क्या करे भाई, कमांडोज वगैरह बुलाए क्या, पूरी टीम को लेकर लिबर्टी सिटी चले? ओके अकेले चलना है भाई, देख ले कोई दिक्कत ना हो जाए।
भाई लेस्टर बोल रहा है क्या टीम और कमांडोज की जरूरत नहीं है, पहले ना हम दोनों वहाँ चलते हैं, पीटर कंफर्म करते हैं कि वहाँ पर है या नहीं है, उसके बाद हम लोग अपने सारे के सारे कमांडोज को जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं सबको बुला लेंगे, अभी हम लोग बस चेक करने जा रहे हैं। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लेस्टर बोल रहा है उसके जान पहचान के वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, कमांडोज को भी बुला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लेस्टर जाना कैसे है ये भी भाई तू बता दे। ठीक है, तो लेस्टर बोल रहे हैं कि यार हम लोग ना प्लेन से नहीं जाएंगे, ना प्लेन से जाएंगे ना बाय रोड जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि यार जो लिबर्टी सिटी वाला माफिया है वो हम लोगों पे नज़र रख रहा हो, इसीलिए हम लोग बोट से जाने वाले हैं। लेस्टर ने पूरा इंतजाम कर रखा है, तो अभी हम लोग को निकलना पड़ेगा। ठीक है लेस्टर, जाना कहाँ है ये बता दे, अभी क्या अभी चलना है ना। और गाइज लेसन है इस बार मेरे साथ जा रहा है, लेस्टर बोल रहा है कि यार मैं भी साथ चलूंगा, मेरे जान पहचान के वहाँ काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारी इस काम में हेल्प करने वाले हैं। तो ठीक है लेस्टर, एक काम कर, तू गाड़ी को निकाल, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो गाइज अभी ना लेस्टर हमारे साथ लिबर्टी सिटी जाने वाला है और हम लोग ना बस एक तरीके से चेक करने जा रहे हैं, अगर वहाँ पे पीटर हुआ ना तो भाई इस बार वो बचेगा नहीं। और एक मिनट, वो देखो गाइज भाई मस्टैंग को भगा रहा है यार लेस्टर, पहले ना गाड़ी एकदम आराम से चलाता था पर भाई धीरे धीरे चलाते चलाते ये बंदा भी एक्सपर्ट बन चुका है भाई, देख रहे हो क्या दौड़ा रहा है। तो मैं भी अपनी गाड़ी को भगाता हूँ और जल्दी से मन लोग यहाँ से निकलते हुए, भाई कहाँ लेकर जा रहा है पता नहीं यार घुमाते हुए। सो अभी गाइज मैं लेस्टर के पीछे करते करते यार काफ़ी ज़्यादा दूर पे आ चुका हूँ, भाई पता नहीं ये लेकर कहाँ जा रहा है। ठीक है लेस्टर, ओके भाई यहाँ कहाँ जा रहा है, मुझे तो लगा था गाइज हम लोग सिटी के बाहर कहीं जा रहे हैं, इसने बोट वगैरह का इंतज़ाम कर रखा है, बट ये तो भाई कहीं और ही लेकर जा रहा है। ठीक है मैं आराम आराम से इसके पीछे पीछे जाता हूँ, और नीचे के साइड तुम लोग देखो भाई इस वाले एरिया में लोग जेट स्की से फुल मज़े कर रहे हैं, क्या बात है। वैसे ये वाली जगह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। और एक मिनट गाइस, सामने के साइड अपने काफ़ी सारे कमांडोज खड़े हैं, क्या बात है यार। ओके तो मैं एक काम कर दूँ फटाफट साइड में गाड़ी लगा देता हूँ, लेस्टर ने भी गाड़ी लगा दी है, तो लेस्टर यहाँ पे इंतज़ाम करवा रखा है तूने, क्या बात है भाई, ये तो काफ़ी सही चीज़ है, एकदम साइड में इसने बोट वगैरह लगा के पहले से खड़ी कर रखी है। पर लेस्टर तूने इतनी सारी बोटें क्यों लगवाई हैं भाई, तीन तीन बोट हम लोग अलग अलग बोट से जाने वाले हैं क्या, और ये कमांडोज क्यों है। ओके तो लेस्टर बोल रहा है कि यार हम लोग तो एक ही बोट से जाएंगे, पर अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो कमांडोज को हमें तुरंत यार लिबर्टी सिटी बुलाना है, बाकी जो ये कमांडोज है अपनी गाड़ियाँ लेकर घर पर चले जाएंगे। तो ठीक है लेस्टर, ये काम तूने एकदम बढ़िया किया, तो आ जाए एक काम कर इसी वाली बोट में चलते हैं। बहुत सही, बोट काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है, क्या बात है यार, आराम से बैठ जा। और है लेसर उन लोगों को कॉल वगैरह लगा यार जो भी तेरे जान पहचान के लोग हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ वहाँ जाकर कोई भी गड़बड़ी हो। बाकी गाइस पीटर और जो लिबर्टी सिटी का माफिया है ना वो पक्का हमारा इंतज़ार ज़रूर कर रहा होगा कि यार हम लोग वहाँ ज़रूर आएंगे। पर लेसर बहुत ज़्यादा चलाक है यार, इस बार हम लोग हेलीकॉप्टर से ना जाकर बोट से जा रहे हैं, किसी को शक तक नहीं होगा हम लोग लिबर्टी सिटी में हैं, और हम लोग ये काम ना काफ़ी ज़्यादा छुपकर करने वाले हैं, बस पता लग जाए कि यार एक बार वहाँ पे भाई पीटर है फिर तो वो गया समझो भाई, उसे बिना मारे तो मैं वापस बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। फटाफट से बोट को भगाते हैं, जल्दी से निकलते हैं भाई लिबर्टी सिटी के लिए, काफ़ी टाइम लगने वाला है, करीब 4 से 5 घंटे लगेंगे बोट से जाने में। तो अभी गाइस 3-4 घंटे यहाँ पर बोट चलाने के बाद फाइनली हम लोग लिबर्टी सिटी पहुँच चुके, और मैं तो जा रहा था यार डॉग वाले एरिया में बोट को लगाने, पर लेस्टर ने मेरे को एक लोकेशन बताई, लेस्टर बोल रहे हैं कि हम लोग इसी डायरेक्शन में आगे के साइड चले, उसके इन्फॉर्मर होंगे यहाँ पर। भाई लेस्टर के इन्फॉर्मर लिबर्टी सिटी में है, और लिबर्टी सिटी क्या भाई जितनी भी जगह है मुझे लगता है इसके जान पहचान के लोग ना हर एक जगह होते हैं। ओके तो लेस्टर बोल रहे हैं कि मैं बोट को एकदम ऊपर चढ़ा दूँ, उसके जो बंदे हैं ना इस बोट को ठिकाने लगा देंगे। ओके तो गाइस मैं ऊपर के साइड लेकर आ चुका हूँ, लेस्टर ये सामने जो बंदा खड़ा है यही तेरा बंदा है क्या। ओके तो हाँ लेस्टर बोल रहा है यार यही अपना बंदा है, फटाफट से नीचे आ जा। बहुत सही, तो गाइस लिबर्टी सिटी में भी लेस्टर की काफ़ी जान पहचान है यार, इतना तो मेरे को पता लग चुका है, देख रहे हो यहाँ पर ये गाड़ी वगैरह लेकर आ चुका है। ठीक है तो लेस्टर इस बंदे से बोल रहा है कि भाई तू बोट का ध्यान देना, हम लोग तेरी कार लेकर जा रहे हैं। ठीक है लेस्टर, तो गाड़ी को मैं ड्राइव करता हूँ, तू आराम से बैठ जा, और भाई बोट को ना साइड में कहीं लगा देना। ठीक है तो गाइस ये बंदा बोट का ध्यान रखेगा, हम लोग जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। और लेस्टर जाना कहाँ पे है यार, हम लोग लिबर्टी सिटी आ तो चुके हैं पर जाएंगे कहाँ। ओके तो लेस्टर बोल रहा है कि इसके जान पहचान के कुछ बंदे हैं, हम लोग सीधे वहीं पे चलते हैं, उन लोगों से चल के बातचीत करते हैं। ठीक है तो मैं आराम से गाड़ी लेकर जाने वाला हूँ, एंड गाइस हम लोग बोट से आए हैं ना तो इसी वजह से किसी को नहीं पता है कि हम लोग यहाँ पर आ रखे हैं। एक मिनट यार, यहाँ रेड लाइट हो रखी है, क्या करूँ लेस्टर, निकलूँ क्या आगे।
ठीक है निकलता हूँ भाई, जो का देखा जाएगा। एक तो लॉस सांटोस में ना भाई मैं रेड लाइट ग्रीन लाइट देखता ही नहीं हूँ, बस गाड़ी को भगाते रहता हूँ। बट दूसरी सिटी में आके ना देखना पड़ता है यार, यहाँ ना पुलिस के पंगे नहीं चाहिए अपने को। और वैसे भी यार देखो, जब भी हम लोग लिबर्टी सिटी में आते हैं ना कोई कांड हो ही जाता है। और वो देखो, अब एक सेकंड भाई ये बंदा थोड़ा सा पागल हो गया क्या, कैसे गाड़ी चला रहा है, खड़ी गाड़ी में लाकर घुसा दिया, हद है भाई। तो भी गाइस हम लोग एक लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं, लेसन ने अपने कुछ बंदों को बुला रखा है, तो हम लोग वहीं पे जाके उनसे बातचीत करेंगे। बाकी यार यहाँ की ना सड़कें मेरे को थोड़ी सी समझ में नहीं आती हैं यार। ओके तो लेसन गाड़ी के पास ही रोक लूँ ना, ठीक है। ये शायद गाड़ी लेसन के बंदों की है, अपने को जाना कहाँ पे है, ठीक है मैं आता हूँ तेरे पीछे पीछे। ओके तो गाइस यहाँ पे तुम लोग चेक करो, तीन तीन बंदे खड़े हैं लेसन, ये तेरे इन्फॉर्मर्स हैं क्या, बात है यार लेसर के बहुत सारे बंदे हैं। तो फटाफट से इन लोगों से बातचीत करते हैं, लेसर पता कर पीटर के बारे में और लिबर्टी सिटी के माफिया सबके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनको क्या क्या पता है। तो अभी यार लेसर इन लोगों से काफ़ी देर से बातचीत कर रहा है यार, इन लोगों से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो ये लोग बता रहे हैं कि यार इन्हें बस ये पता लगा है कि यार लिबर्टी सिटी के माफिया ने यहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ाया है, इन्हें ये नहीं पता कि पीटर यहाँ पर है। जिस बंदे ने पीटर को देखा था वो बंदा तो उसी टाइम से गायब है, ना उसका फ़ोन लग रहा है ना उसका कुछ पता है। तो लेसर उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। बाकी इन लोगों से एक और चीज़ पता लगी है कि लिबर्टी सिटी के माफिया ने एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी को बढ़ा रखा है और लॉस सांटोस से आने वाली हर एक बोट को हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। भाई सही रहा, हम लोग प्लेन से नहीं आए और बोट से तो आए थे, पर बोट हम लोगों ने कहीं और लगाई, अगर डॉग वाले एरिया में जाते ना तो पक्का हम लोग पकड़े जाते, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। हम दोनों अकेले आए हैं, मतलब लेसर कुछ ना कुछ तो पक्का गड़बड़ है। लिबर्टी सिटी के माफिया ने इतनी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है, इसका मतलब पीटर के होने के काफ़ी चांसेस हैं। हाँ मुझे पता है यार, जब तक वो मिलेगा नहीं, जब तक देखेंगे नहीं, हम लोग यकीन से नहीं कह सकते, पर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। लेसर अभी अपने उस बंदे के बारे में पता कर रहा है, ठीक है लेसर एक काम करते निकलते हैं यहाँ से, एक जगह ज़्यादा देर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत से यहाँ से निकलते हैं, पता तो करके रहेंगे गाइस, जान पहचान लेसर की बहुत ज़्यादा है, किसी ना किसी से पता तो ज़रूर चल जाएगा। ओके लेसर फटाफट से गाड़ी में बैठ, जल्दी से यहाँ से निकल, यहाँ से उतार दूँ क्या, ठीक है। लेसर बोल रहा है कि सीढ़ी से नीचे माइकल लेकर चले एंड यहाँ से आगे चले, ठीक है भाई मैं लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पे ना थोड़ा सा संभल के गाड़ी चलानी पड़ती है यार, ट्रैफिक ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो एकदम आराम से चलते हैं। तो भी गाइस लेसर के पास उसके इन्फॉर्मर का कॉल है और उसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी और गाइस एक लोकेशन भी बताई है, तो लेसर और मैं अभी वहीं पे जाने वाले हैं। तो लेसर एक काम कर, फटाफट से गाड़ी में बैठ, और अभी जो लोकेशन उसने बताई है ना गाइस, वो इस एरिया से ज़्यादा दूर पे नहीं है। अब मुझे नहीं पता वहाँ पे है क्या, पर लेसर बोल रहे हैं कि अपने को जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्फॉर्मर्स ने जो इन्फॉर्मेशन दी है ना वो हमारे काफ़ी काम आ सकती है भाई। ओके तो लेसर मेरे को रास्ता बताते रहे भाई, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और ये गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है भाई, सब पे देख रहे हो स्नो गिरा हुआ है, हद है यार। आगे से लेफ्ट लेना है क्या, ठीक है मैं आ चुका हूँ भाई, बताते रहना। तो अभी गाइस हम लोग इस लोकेशन पे पहुँचने वाले हैं और इधर हम लोग को ना थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि गाइस ये पूरा का पूरा एरिया लिबर्टी सिटी के माफिया का ही है। ओके तो लेसर बोल रहे हैं कि मैं कार को साइड में लगा लूँ, ठीक है लेसर मैं लगा लेता हूँ, फटाफट से उतरते हैं। लेसर जाना कहाँ है अपने को, ओके आगे के साइड, ठीक है वहाँ देख रहे हो गाइस कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई है, यही लोकेशन दी थी ना उसने। अबे अंदर मेरे को लिबर्टी सिटी के माफिया के बंदे नजर आ रहे हैं, हद है भाई, यहाँ लिबर्टी सिटी के माफिया के बंदे। और एक सेकंड लेसर वहाँ पे ब्लैक कपड़ों में कोई तो खड़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा आगे जाकर चेक करता हूँ, तू यहीं पर है। गाइस ये बंदा पीटर का लग रहा है ना, अगर फ़ोन का मैं कैमरा निकालता हूँ, भाई पीटर का बंदा यहाँ पे है, इसका मतलब गाइस पीटर का बंदा यहाँ पर है, पीटर भी यहीं पे होगा। लेसर मेरे दिमाग में एक बहुत ही तगड़ा प्लान आया है, लेसर है कहाँ उसको मैं फटाफट से बताता हूँ। देख मेरी बात सुन, तू अपने इन्फॉर्मर से ना गाड़ी के अंदर बैठकर आराम से बातचीत कर, तू गाड़ी के अंदर जा, मैं उस बंदे का यहाँ पर इंतज़ार करता हूँ, एंड जैसे वो यहाँ पर आता है ना हम लोग उसका पीछा करेंगे, फॉलो करते हैं, क्या पता हम लोग पीटर तक पहुँच जाए, ये चीज़ काफ़ी सही रहेगी। और ये मैडम यार क्या हो गया, एक सेकेंड लेसर को मैंने कार में बैठा दिया गाइस, मैं धीरे धीरे थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, मैं यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया हूँ, मेरे को बस पता करना है एक बार ये बंदा हमें पीटर तक पहुँचा दे, फिर कोई दिक्कत नहीं है यार, हम लोग मिलकर अपने कमांडोज को अपनी टीम को कॉल कर देंगे और सारे लोग कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएंगे। ओके तो गाइस मैं एक काम करता हूँ,
यहीं पे छुप करना है, इसका इंतजार करता हूँ। तो अभी गाइज मैं धीरे धीरे काफी ज्यादा आगे आ चुका हूँ। वैसे अगर कोई भी दिक्कत हो गई तो मेरे पास वेपन तो पूरे हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा आगे और चलते हैं, बस ये लोग मेरे को देख ना ले, अगर इन लोगों ने देख लिया तो गड़बड़ी हो जाएगी। लेस्टर को मैंने कार में इसीलिए बैठा दिया है कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो लेस्टर ना कार को स्टार्ट कर लेगा। ओके, तो पहले यहाँ पर खड़े होके देखते हैं भाई, कन्फर्म है कि ये पीटर का बंदा है, किसी को कॉल कर रहा है। और एक मिनट ये इसी साइड में आ रहा है ना, फटाफट से यहाँ पर चढ़ते हैं। ओके तो गाइज ये बंदा शायद इसी साइड में आ रहा था, वो देखो। अच्छा रहा भाई मैं जल्दी से ट्रक पे चढ़ गया, तो अगर ये मेरे को देख लेता तो ये मेरे को पहचान लेता यहाँ पर। ओके गाइज ये कार में बैठ रहा है, ठीक है बेटा निकल यहाँ से तू, मैं भी तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। पहले मेरे को छुपना पड़ेगा, इसको आराम से यहाँ से निकलने दो कि मेरे को देख ना ले, ठीक है गाइज। अभी इस बंदे का पीछा करते हैं, ये हमें शायद पीटर तक पहुँचा सकता है। ये जहाँ पे भी जाएगा हम लोग इसे फॉलो करने वाले हैं। भाई लेस्टर वो देख निकल रहा है, हाँ मुझे पता है भाई, जल्दी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। लेस्टर बोल रहा है कि भाई उसने देख लिया है, ठीक है अभी गाइज इसके पीछे चलते हैं, देखते हैं ये जा कहाँ पर रहा है। और गाड़ी को ना थोड़ा डिस्टेंस में अपने को रखना पड़ेगा, मुझे इस बंदे को मारना नहीं है, मुझे बस पीटर तक पहुँचना है। बहुत सही। तो अभी गाइज मैं काफ़ी देर से इस बंदे का यार पीछा कर रहा हूँ, भाई मुझे नहीं पता ये करना क्या चाह रहा है, कभी गाड़ी को स्लो कर रहा है, कभी भगा रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि यार ये लोग भी ना भाई नए नए यहाँ पर आए हैं, लॉस सैंटोस में ही रहते हैं। यहाँ का ट्रैफिक ना लॉस सैंटोस से काफ़ी ज़्यादा अलग है। और एक तो ये गाड़ियाँ पता नहीं कौन से एरिया से आ रही है भाई, सब पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरा हुआ है। और एक मिनट अभी लेसर चला रहा हूँ भाई, ये देखो गाइज, हद अबे हट जाओ भाई, अबे लड़ना नहीं है यार, वो बंदा निकल ना जाए हाथ से। अबे लेसर मुझे पता है तू सीट बेल्ट लगा ले, मैं गाड़ी को दौड़ाता हूँ। मैंने बोला था ना गाइज यहाँ के लोग ना थोड़े से अलग हैं। और एक सेकंड वो भी देखो ट्रैफिक में फंसा हुआ है, एक सेकंड मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ अपनी गाड़ी। भाई अच्छा रहा उससे भी ट्रैफिक में लोगों ने फंसा लिया, ये तो आगे निकल जाता। और वो देखो गाइज उससे भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ओके वो बंदा भी नहीं लड़ रहा भाई, उसे भी बताया ना यार लड़कर कोई फ़ायदा नहीं, अगर लड़ेगा पुलिस तुरंत आ जाएगी। ठीक है गाइस अभी आराम से इसका पीछा करते हैं एंड देखते हैं ये जा कहाँ पे रहा है। तो अभी यार मैं पीटर के बंदे का पीछा करते करते काफ़ी ज़्यादा दूर तक आ चुका हूँ। और लेस्टर बोल रहे हैं कि यार मैं गाड़ी को थोड़ा पीछे रखूँ, उसे शक हो सकता है। भाई मैं गाड़ी को बहुत ज़्यादा पीछे रखा हूँ, लेस्टर तू टेंशन ना ले। गाइस मुझे उसकी कार नज़र आ गई, और एक मिनट उसने गाड़ी लेस्टर स्लो कर लिया क्या, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है भाई, उसने गाड़ी स्लो कर ली। और एक मिनट भाई ये फैक्ट्री के अंदर जा रहा है वो। लेस्टर मैं काम करता हूँ, गाड़ी इस साइड में रोक लूँ क्या, काम करते गाड़ी आगे लेकर चलते हैं। और गाइस मुझे लिबर्टी सिटी के माफिया के बंदे नज़र आ रहे हैं, और वो गाड़ी अंदर ले गया है। एक काम करता हूँ गाइस मैं इस वाली गाड़ी को यहीं पे लगाता हूँ। लेस्टर एक काम कर, मैं जाकर चेक कर रहा हूँ, तो अपने कमांडोज को कॉल कर और पता कर ये फैक्ट्री है किसकी। ओके बहुत सही। सो गाइस मुझे धीरे धीरे आगे जाना पड़ेगा, ये लोग बस मेरे को देख ना लें। बहुत सी आराम से चलते यार, मुझे नहीं लगता कि यार सारे लोग मेरे को पहचानते होंगे, लिबर्टी सिटी की माफिया के जो बंदे हैं ना वो बहुत सारे हैं। और एक मिनट यहाँ से क्या गाइज मैं देख सकता हूँ, भाई देख सकता हूँ। और देखो गाइज इस साइड में तुम लोग देख रहे हो, मुझे बहुत सारे बंदे नज़र आ रहे हैं। एक मिनट आराम से यहाँ पे छुपते हैं एंड धीरे धीरे आगे चलते हैं। वो देखो गाइज उसी ब्लैक कलर की कार का मैं पीछे करते करते आया था, जो कि वहाँ खड़ी हुई है, पर वो बंदा कहाँ गया मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। पर अंदर बंदे बहुत ज़्यादा है, इस फैक्ट्री के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा। एक काम करते हैं फटाफट से लेस्टर के पास चलते हैं, और ये बात मेरे को उसे बतानी पड़ेगी। तो भी यार जल्दी से लेस्टर के पास चलते हैं, और लेस्टर को यार फैक्ट्री के बारे में बताता हूँ फटाफट से। और एक मिनट अबे ये क्या चल रहा है गाइस, लेस्टर मुसीबत में है। लेस्टर को भाई ये लोग मार मारना थे, एक सेकेंड लेस्टर तू टेंशन ना ले। बहुत सही। अबे लेस्टर ये क्या सीन हो गया भाई, एक मिनट यार लेस्टर हद है भाई, यहाँ देख रहे हो गाइस बहुत ज़्यादा बंदे आ चुके, क्या करें अब। तो एक काम कर लेस्टर, कमांडो उसको कॉल लगा, फटाफट से कॉल लगा, हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे यार। गाइस इन लोगों को पता लग गया, लेस्टर को इन लोगों ने यार पकड़ लिया था, कोई ऑप्शन नहीं था। अभी मुझे यहाँ पर इस तरीके से गोली चलानी पड़ेगी वॉल में कवर लेकर, कोई दिक्कत नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं फैक्ट्री के अंदर जा रहा हूँ गाइस, एक सेकेंड पीछे से गोलियों की आवाज़ आ रही है मुझे। लेसर बंदे कहाँ पे हैं, पीछे क्या तेरे साइड। एक मिनट तूने कमांडो उसको कॉल कर दिया ना आने के लिए, ओके तो ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ फैक्ट्री के अंदर जा रहा हूँ, तू गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ पर खड़ा रहे, अगर कोई भी गड़बड़ी रहेगी तो यहाँ से तुरंत के तुरंत निकलेंगे। गाइस ये बंदा यहाँ से निकला था ना, इसकी गाड़ी डिस्ट्रॉय करता हूँ यार, बुलेट प्रूफ कार थी इसके पास। मेरे को फटाफट से अंदर चल के चेक करना पड़ेगा।
आखिरकार ये फैक्ट्री है किसकी और लिबर्टी सिटी के माफिया वाले बंदे यहाँ पर कर क्या रहे थे। ये देखो गाइस यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, इसको मारना पड़ेगा। अरे यार और भी बंदे अंदर, यार स्नाइपर क्यों निकाल ली मैंने भाई, बहुत बंदे हैं गाइस, अब बहुत हो गया। मैं हाईटेक वाली गन निकालने वाला हूँ। तो भी गाइस टाइम आ चुका है अपने खतरनाक वाले वेपन निकालने का, और गाइस लिबर्टी सिटी में हूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। यहाँ पर बंदे इतने हैं कि भाई मैं ना अगर लेजर मैं अगर हाईटेक वाली गन निकालूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैंने गाइस ये खतरनाक वाली गन निकाली है। और अब तुम लोग सामने देखो, यहाँ पर इन लोगों की लाशों के ढेर लगा दूंगा मैं, ये गन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ओके तो फटाफट से आगे की साइड चलते हैं भाई, कोई उठो मत, यहाँ पर कोई उठ गया ना तो मैं कसम से उन्हें ख़त्म ही कर दूंगा। ओके तुम लोग देख रहे हो पीछे से आ रहे बंदे, आ जाओ बेटा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फुल तैयारी के साथ आया हूँ, तुम टेंशन ना लो। वो देखो गाइस डेड बॉडी कहाँ उड़ रही है, और वो भाई पीछे से आ रहे हैं ना, आने तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आ जाओ बेटा आ जाओ, जितने भी आ रहे हो मैं सबका इंतजाम यहाँ पर कर रहा हूँ, मेरे पास खतरनाक वाली गन। और गाइस तुम लोग चेक करो भाई, जो बुलेट प्रूफ कार है वो ग्रेनेड से नहीं फूटी थी, बट इस वाली गन से भाई गाड़ी का हाल देख रहे हो, क्या हाल हो चुका है, गाड़ी भी तबाह हो चुकी है यार। एक तो ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगा देती है। लेस्टर निकलना पड़ेगा, लेस्टर तू कहाँ पे है, गाड़ी लेकर जल्दी से लेस्टर यहाँ पर आ, यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी तक तो मुझे लगता है उन लोगों को पता लग गया होगा कि हम लोग यहाँ पर है। लेस्टर फटाफट से गाड़ी को भगा, रुक नहीं सकते हैं भाई, भगा गाड़ी को। अभी तक लिबर्टी सिटी वाले माफिया पीटर सबको पता लग गया होगा कि यार हम लोग यहाँ पर हैं, और वो अपनी फोर्स को यहाँ पर ज़रूर भेजेंगे, पर हम लोग भी कहीं फुल तैयारी के साथ आए हैं, हमारे कमांडोज भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच रहे होंगे, टीम भी यहाँ पर आ जाएगी। पूरे लिबर्टी सिटी में पीटर कहीं पे भी हो वो बचने वाला नहीं है, हम उसे ख़त्म ज़रूर कर देंगे। भगा ले सिर्फ फटाफट से गाड़ी को भगा, जल्दी से गाइस यहाँ से निकलते हैं। अभी गाइस हमारी कमांडोज से भी बात हो गई है, वो लोग भी कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं भाई, बस 5 से 10 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएंगे, अपनी टीम भी शायद आ रही होगी उन्हीं के साथ। लिबर्टी सिटी में तो गाइस अब तबाही होने वाली है, कोई यहाँ पर नहीं बचा सकता, कोई अब पीटर को नहीं बचा सकता लिबर्टी सिटी में, चाहे कोई भी आ जाए। बाकी चलो ठीक है गाइस, इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोग को मजा आया, मजा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।